तो कैसे हैं बेटू लोग। स्वागत है आप लोगों का अपुन के चैनल एवरी नॉन में। और आज हमारा शीर्षक है यानी टॉपिक है चार ऐसी चीज़ें जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। जी सही सुना आपने, ऐसी चीज़ें जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, यानी जो विज्ञान बाबा कहता है कि उसके पास हर एक चीज़ का जवाब है, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। जो भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या घटनाएं होती है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि साइंस के औकात से बाहर है, यानी मेरा मतलब है साइंटिस्टों के सोच से परे है। और आज आप इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ों को जानेंगे जिनको सुनकर आपके फटके चार हो जाएगी। क्या बोला? आंखें यार आंखें, पता नहीं तुम भी क्या क्या सोचते हो। वैसे तुम्हें क्या लगा? वैसे तुम्हें कुछ भी लगा हो, ये दुनिया लगने से नहीं चलती, ये दुनिया करने से चलती है। तो चलिए बिना टाइम खोटे किए आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज अपुन के लिस्ट में जो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है यानी प्रश्न है वो है व्हाई वी स्लीप, यानी हम सोते क्यों हैं। सुनने में तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, बट इसका जवाब उतना ही दिमाग फाड़ने वाला है। हम जानते हैं कि हर कोई सोता है, चाहे इंसान हो या जानवर, हर किसी को नींद आती है। कोई 10 घंटे सोता है तो कोई 5 घंटे, कोई बेड पर सोता है तो कोई ज़मीन पर, और कोई कोई तो इतने बड़े कुंभकर्ण होते हैं कि वो जैसा कि आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा। बट फिर से वही सवाल, आखिर हम सोते क्यों हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना है कि सोने से हमारे ब्रेन को एक टाइम मिलता है ताकि वो जो दिन भर का हमारे भेजे में जो कचरा है, यानी मेरे कहने का मतलब है जो भी अननेसेसरी यादें हैं जो हमने दिन भर अपने दिमाग में ठूस रखी है, वो उन्हें साफ कर सके, मीन्स उन्हें इरेज कर सके, ताकि नेक्स्ट दिन हम रिफ्रेश और अलर्ट फील करें। बट कुछ साइंटिस्ट बाबा लोगों का यह भी कहना है कि नींद हमारे दिमाग को नए स्किल्स जनरेट करने में मदद करता है, या फिर जो पुराने स्किल्स है यानी हमारी खूबियां हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। बट ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है, यानी ये जस्ट एक अंदाजे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट बाबाओं को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, यानी बोले तो कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर हम सोते क्यों हैं। और सोने से अपुन को याद आया कि रात में जो हम ख्वाब देखते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। और आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा अगला जो प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे सूची में अगला क्वेश्चन है व्हाई वी ड्रीम, यानी हम सपने क्यों देखते हैं। कुछ कहेंगे कि हम सपने इसलिए देखते हैं ताकि सुबह उठकर हम उसे पूरा कर सकें, बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो मैं रोज़ सपने में देखता हूँ कि मेरे पास बेन 10 का ओमनीट्रिक्स है और मैं एलियनों से लड़ रहा हूँ, तो क्या सुबह उठकर मैं ओमनीट्रिक्स बनाने लगूँ। पर जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे तो लोग अजीबोगरीब सपने देखते हैं, अलग अलग तरह के सपने देखते हैं कि हम बिना पैंट के स्कूल चले गए, हम सुपरमैन बनकर दुनिया को बचा रहे हैं, या फिर हम किसी सुंदर हसीना के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, अब तो लोग ही जाने। और कुछ तो इतने महान होते हैं कि वो कहते हैं कि वो जो भी सपने देखते हैं वो सच हो जाते हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि ये फालतू की बातें हैं। वैसे इन सब चीज़ों को छोड़िए, हम फिर से अपने सवाल पर आते हैं कि आखिर हम सपने क्यों देखते हैं।
क्या इनका कोई हमसे गहरा नाता है, या फिर ये हमें कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या और कुछ। वैसे रियल सच्चाई तो ये ही है कि हम नहीं जानते कि ऐसा होता क्यों है। कुछ साइंटिफिक थ्योरीज यह बताती है कि ड्रीम्स जो है वो बस रैंडम इमेजेस है जो सोते वक्त हमारा दिमाग इमेजिन करता है, या जो हम दिन भर सोचते रहते हैं। और कुछ थ्योरीज का तो ये भी कहना है कि यह हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती हैं। मैथ्स की नहीं कि 2+2 4 होते हैं, 5 × 2 10 होते हैं, बल्कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारी रियल जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। एक एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी का यह भी कहना है कि हम ड्रीम तब करते हैं जब हमारे ब्रेन में स्टिमुलेशन प्रोसेस होता है, यानी जब हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच पाते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3-8 स्टिमुलेशन थ्योरी, यह एक न्यूरोलॉजिस्ट फिनिश कॉन्जीनेटिव पर बेस्ड है, जिनका यह कहना है कि हम सपने इसलिए देखते हैं ताकि हम रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर हो सके। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हमने किसी चीज को ड्रीम किया है और अगर वैसी ही घटना अगर हमारे असली जिंदगी में घटती है तो हम बिना किसी परेशानी उसे इजीली फेस कर सके। और ऐसे ही ना जाने कितनी थ्योरीज है, बट कोई भी ठोस कारण नहीं देती है कि हम आखिर सपने क्यों देखते हैं। अब अपुन के लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है वो है द प्लेसिबो इफेक्ट। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको इसकी एक सरल डेफिनेशन देता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई बंदा बिना किसी रियल दवा के ठीक हो सकता है। रुको रुको, बिना किसी रियल दवा, ये क्या चीज है? मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे, पर सच्चाई यही है। अब इसे अच्छे से आपके भेजे में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका माथा बहुत जोर से दर्द दे रहा है और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको सिर दर्द की एक गोली दे दी, यानी टैबलेट दे दी, और कुछ समय बाद आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। बट अगर वही डॉक्टर बाद में आकर आपको कहे कि वो कोई दवाई नहीं थी बल्कि एक शुगर टैबलेट थी, यानी जस्ट एक चीनी की पुड़िया थी, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। यानी ये इफेक्ट हमें यह बताता है कि हमारा दिमाग बहुत ही शक्तिशाली चीज है। अगर उसे किसी चीज पर विश्वास हो जाता है या पक्का भरोसा हो जाता है कि हाँ अब ऐसा ही होगा या अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो हमारे बॉडी को भी वैसा ही फील कराने लगता है, जिसकी वजह से हम खुद को ही खुद से ठीक कर लेते हैं, वो भी बिना किसी इलाज के। लेकिन 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 बड़ा वाला लेकिन, कभी कभी इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और उसे डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर उसे ऐसा लगने लगेगा कि अब कुछ भी हो जाए उसका बचना संभव नहीं है। उसे ऐसा लगने लगेगा कि वो कितनी भी दवाइयां ले ले, कितनी भी बड़ी से बड़ी सर्जरी करा ले, वो ठीक नहीं हो सकता। और फिर उसके ब्रेन को भी यही लगेगा, उसकी हालत सही में और खराब होते जाएगी। और अगर उसके बचने का मात्र 1% भी चांस होगा, फिर भी वह नहीं बच पाएगा, क्योंकि जब उसने अंदर से ही हार मान ली है कि वो अब नहीं बच सकता, उसके दिमाग को अब सही में लगने लगा है कि उसका बचना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, तो फिर सही में कुछ भी नहीं किया जा सकता। और जब इस बार प्लेसिबो इफेक्ट ने उल्टा वर्क किया, यानी ठीक करने की जगह उल्टा हालत और खराब कर दी, तो इस समय इस इफेक्ट को नोसीबो इफेक्ट कहा जाता है। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सिर्फ 3 में से एक ही इंसान पर होता है। और यकीन मानिए, अभी तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है। ये जस्ट
अभी तक बस एक मिस्ट्री बनी हुई है जो कि मेडिकल साइंस को चौंकाते आई है। और हमारे इस प्रश्न पत्रिका में जो चौथे और आखिरी नंबर पर जो प्रश्न है वो है, Where does consciousness come from? यानी हमारे अंदर चेतना कहाँ से आती है, यानी आज हम जो भी कर पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं या हम समझ पा रहे हैं कि हम हैं, हमारा इस दुनिया में एक एग्जिस्टेंस है, ये अभी भी साइंटिस्ट बाबाओं के लिए एक विशाल प्रश्न बना हुआ है जिसने उनके दिमाग की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। हम इंसान अपने आसपास के सराउंडिंग्स से, चीजों से और खुद से अवेयर हैं। हमारा मन हमारे खुद में ही अंदर हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है या पूछता है कि हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है, किस वजह से हम इस दुनिया में मौजूद हैं। हमारा दिमाग जो कि हमारे बॉडी का सेंट्रल कंप्यूटर है, जो कि हमारे शरीर में सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे जिंदगी के हर परिस्थितियों में हमें सोचने में मदद करता है, जो कि हमारे शरीर में मौजूद 100 बिलियन से भी ज़्यादा नर्व सेल्स यानी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, उनसे हमारे बॉडी में तरह तरह की चीज़ें करने में मदद करता है, वो एक शक्तिशाली नेटवर्क के बराबर है जो कि बहुत ही विशाल और कॉम्प्लिकेटेड है। बट आवर ब्रेन इज नॉट द माइंड, यानी कि हमारा जो दिमाग है और हमारे मन यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइंटिस्ट यह कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो कि हमारे ब्रेन में होती है, यह एक्सप्लेन नहीं करती कि कैसे एक फिजिकल सब्सटेंस यानी भौतिक पदार्थ एक नॉन फिजिकल सब्सटेंस यानी गैर भौतिक पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है। यानी साइंस यह नहीं जानता कि हमारा दिमाग हमारे चेतना को कैसे ला सकता है या फिर यह कहां से आती है। कुछ धर्मों का यह भी कहना है, यह भी मानना है कि हमारे अंदर चेतना भगवान का दिया हुआ एक तोहफा यानी गिफ्ट है जो कि इस दुनिया में हमारे बॉडी को गाइड करता है, पर सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। चलो भाइयों और बहनों, अब अपुन को अलविदा कहने का समय आ चुका है और बस जाते जाते छोटी सी विनती करना चाहूँगा, अगर आपको अपुन का वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग मज़ेदार लगा हो तो एक मिनट टाइम निकालकर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी मेहनत करके जाके सब्सक्राइब बटन पर छापा जरूर लगा देना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो और